हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे अपने Redmi 4A मोबाइल को रीसेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे, फिर वहां से नीचे जाएंगे। यहाँ एडिशनल सेटिंग नाम से एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ सबसे नीचे हमें बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ हमें क्लिक करना है। और उसके बाद सबसे नीचे आना है, फैक्ट्री डाटा रीसेट नाम से आता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद पर्सनल डाटा एंड फॉर्मेट मॉक डिस्कार्ड, तो हमें सबसे पहले ये फॉर्मेट पर्सनल डाटा पे क्लिक करके पूरा सारा का सारा अकाउंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे देखिए, सबसे नीचे लिखा है रीसेट फोन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें अपना पैटर्न जो हमने डाला है वो पूछेगा। तो फिर पैटर्न डालने के बाद ये खुल जाएगा, और यहाँ हमारा MI एक्टिवेशन पासवर्ड मांगा है, जो हमने MI पासवर्ड बना रखा है उसको डालना पड़ेगा। जैसा कि हमने अपना पासवर्ड डाल दिया है, अब यहाँ पे ओके करेंगे और ये पासवर्ड चेक करा है और ये मेरा वेरीफाई हो गया और ये डिवाइस मेरी टर्न ऑफ हो रही है। अभी ये मुझे अटेंशन दे रहा है कि मतलब आपका डाटा लॉस हो सकता है इससे, तो लेकिन मुझे फॉर्मेट करना है तो आप लोगों को बताने के लिए, तो इसलिए मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद ओके पे, ये 10 सेकेंड के बाद ही होगा ओके। फिर अब मैं ओके पे क्लिक करूंगा, देखिए मेरा फोन अपने आप स्विच ऑफ होने हो रहा है। अब ये फिर से ऑन होगा फोन। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसको इंस्टॉल करने में, जो सारा सॉफ्टवेयर है उसको डिलीट करने में और उसको रीइंस्टॉल करने में। अब ये मेरा एंड्रॉयड स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों कुछ समय बाद ऐसा आपके स्क्रीन पे आएगा, तो MIUI 10 वर्जन मैंने डाउनलोड कर रखा था, इसमें मोबाइल में था। तो फिर उसके बाद ये नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर इसमें हम अपना लैंग्वेज चूज करेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे कई सारी लैंग्वेज दी हुई है, मराठी है, हिंदी है, और तो मैं इंग्लिश पे क्लिक करके ओके करता हूँ। इंग्लिश पे ऑलरेडी क्लिक रहता है तो फिर ओके करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट पे इंडिया रीजन है मेरा, कंट्री, फिर इस पे नेक्स्ट करता हूँ तो ये सेटिंग कर रहा है रीजन का, इंडिया का। अबे नेटवर्क का एक्सेस देने के लिए कह रहा है, तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ, तो मैं स्किप कर देता हूँ उसे। और इसके भाई ये टर्म एंड कंडीशन दिखा रहा है मोबाइल का, तो फिर इसको नेक्स्ट करते हैं। और अब ये दिखा रहा है कि कौन सा सिम मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ डाटा के लिए, तो मैं अपना सिम चूज़ कर लेता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। फिर ये बता रहा है कॉपी डाटा एंड्रॉयड डिवाइस क्लाउड, जो इसके क्लाउड में सेव हुआ है मेरा MI क्लाउड में, वो डाटा फोन में रिस्टोर करने के लिए बता रहा है, या सेटअप न्यू गेट फ्रेश स्टार्टेड। तो मैं फ्रेश स्टार्ट करता हूँ, कॉपी नहीं करना, टाइम लगता है उसमें भी हो जाएगा। अब देखिए अपडेट के लिए चेकिंग कर रहा है। अब इसके बाद आपका दूसरा इंटरफेस खुलेगा। अब ये देखिए आप ईमेल बनाने के लिए पूछ रहा है, तो इसको मैं स्किप, ईमेल आईडी डालने के लिए बोल रहा है कि अपना ईमेल आईडी डालें या क्रिएट न्यू अकाउंट करें, तो इसको स्किप कर सकते हैं हम। और मैंने ईमेल कैसे बनाया एक दूसरा वीडियो में मैंने बना के डाली है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं कि कैसे ईमेल बनाते हैं। तो मैं इसको स्किप करता हूँ और ये सब अपना वो दे रहा है कि मतलब ऐप और म्यूजिक स्किप करने के लिए, तो मैं स्किप कर देता हूँ इसको। अब ये गूगल की सर्विसेज के बारे में बता रहा है कि क्या क्या है, तो मैं एग्री करके क्लिक करता हूँ और आल आल सेट पे ओके। अब ये मेरा MI क्लाउड का पूछ रहा है,
तो मैं ओके कर देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ फोन कॉल्स के लिए और क्लाउड एसएमएस, और नेक्स्ट करता हूँ। अब ये मुझे अपना मोबाइल नंबर और जो मैंने बना रखा है इसमें एमआई अकाउंट का मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना है, तो मैं डाल देता हूँ। मैंने अपना आईडी और पासवर्ड डाल दिया, अब साइनिंग पे क्लिक करता हूँ। अब ये चेक करेगा, उसके बाद साइनिंग कर देगा। अब देखिए मेरे अकाउंट को ऐड कर दिया इसने, और फाइंड क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे, सेटअप न्यू, ओके नेक्स्ट करता हूँ। फिर इसके बाद एडिशनल सेटिंग ये सब दिखा रहा है, लोकेशन वगैरह का, तो फिर इसको नेक्स्ट करते हैं। अब ये दिखा रहा है कि कौन सा थीम हम यूज़ करना चाह रहे हैं, डिफ़ॉल्ट या क्लासिकल। ये देखिए जूम करके ऐसा या इस तरह से, तो मैं कोई सा भी चूज़ कर लेता हूँ, तो डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट। अब ये जो सारे गूगल से डिफ़ॉल्ट ऐप इंस्टॉल होते हैं मोबाइल में, वो सब इंस्टॉल होंगे, लोड होंगे, लोड होके अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगे मोबाइल में। उसके बाद ये ब्रेक हो गया, इसके बाद वो ऑन होगा मोबाइल। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो दोस्तों, अभी ये इंस्टॉल हो गया है, रिस्टोर हो गया मोबाइल। अब मैं इसको खोलता हूँ। अब ये फाइंड डिवाइस का ऑप्शन दे, तो मैं ओके कर दे रहा हूँ। और ये थोड़ा सा समय टाइम लेगा, हैंग कर रहा था शायद। ये देखिए अब मेरा फ्रेशली एकदम मोबाइल मेरा नया नए तरीके से ऑन हो गया है, तो ये मेरा रिस्टोर हो गया, मोबाइल रीसेट हो गया है। धन्यवाद।